अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनावी अभियान पर चीन और ईरान के हैकर्स ने हमला बोला है। गूगल के मुताबिक यह हमला ट्रंप और बाइडेन दोनों उम्मीदवारों के अभियान पर हुआ है। गूगल के थ्रेट एनालिसिस ग्रुप के सदस्य शेन हंटले ने बताया कि हाल ही में चीनी सरकार से जुड़े हैकर्स ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन के कैंपेन स्टाफ के ईमेल में सेंध लगाने की कोशिश की थी, जबकि ईरानी सरकार से जुड़े हैकर्स ने राष्ट्रपति ट्रंप को टारगेट करते हुए उनके अभियान से जुड़े लोगों के ईमेल अकाउंट हैक करने के प्रयास किए। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के चुनावी अभियान पर हैकर्स ने हमला बोला हो। इससे पहले 2016 में डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन का अकाउंट रूसी हैकर ने हैक कर लिया था। हैकर्स के हमले से निपटने के लिए गूगल की थ्रेट एनालिस्ट ग्रुप ने दोनों पार्टियों के चुनावी अभियान से जुड़े लोगों को सबसे मजबूत साइबर सिक्योरिटी अपनाने का अनुरोध किया है।